जंगे आज़ादी की गवाही देता मेरठ, अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों की गवाही देता मेरठ, यानी कि हर उस पहलू की गवाही देता मेरठ जो जंगे आज़ादी से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सलीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के विक्टोरिया पार्क में। ये वो जगह है जहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी जेल बना रखी थी। इन जेलों में भारतीय कैदियों को रखा जाता था, उन कैदियों को जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो सरकार को लगान नहीं देते थे उन कैदियों को भी इसी जेल में रखा जाता था। इस जेल में उस वक्त 800 से लेकर 850 कैदी हुआ करते थे। जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का अंग्रेजी फौजों की ज्यादती बढ़ी, उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सब्र था वो भी टूट गया। नतीजा ये हुआ कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस जेल पर धावा बोला और इस जेल को तोड़ दिया। ये जेल उन्होंने दिन में तोड़ी, उस वक्त ये जेल आधी उन्होंने तोड़ी थी, लेकिन जब इसकी सूचना रात को मेरठ के उत्तर में रह रहे कुछ गुजर क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने क्या किया, देर रात एक झुंड के रूप में आए और इस पूरी जेल को उन्होंने तहस नहस कर डाला। आप देख रहे हैं ये हाइडल कॉलोनी का गेट है, और कहा जाता है कि ये जो गेट है हाइडल कॉलोनी का, ये अंग्रेजी दौर में जो जेल बनी हुई थी विक्टोरिया पार्क की, ये उसका मेन गेट हुआ करता था। मेरठ की जंगे आज़ादी को शहीद स्मारक में कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। सिपाहियों के नामों की सूची है जिन्होंने 24 अप्रैल 1857 को विवादित कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अप्रैल 1857 की सुबह जब परेड के दौरान कर्नल कर्माइकल स्मिथ ने सिपाहियों के सामने कारतूसों को हाथ से फाड़कर राइफल में भरने की विधि बताई, तो उसके बाद वहाँ मौजूद कई सिपाहियों ने इस विधि को दोहराने का आदेश दिया, तो 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूसों को छूने तक से इनकार कर दिया था। कर्नल कर्माइकल स्मिथ ने अपने खुद के बयान में ये कहा कि इनकार करने वाले जो लोग थे उनमें से सबसे आगे जो नायक थे वो शेख पीर अली थे। जंगे आज़ादी में मेरठ पुलिस का भी काफ़ी योगदान रहा था। उस वक्त मेरठ में दो कोतवाली हुआ करती थीं, सदर कोतवाली और शहर कोतवाली। बताया जाता है कि इन कोतवालियों के सारे सिपाहियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये नई जेल की है जो उस वक्त विक्टोरिया पार्क में बनाई गई थी। ये जेल हाइडल कॉलोनी और विक्टोरिया पार्क के क्षेत्र में मौजूद थी और इसका विस्तार गढ़ मुक्तेश्वर सड़क से लेकर आबू नाले तक फैला हुआ था। 85 क्रांतिकारी सिपाहियों को इसी जेल में दो बैरकों के भीतर कैद करके रखा गया था। फौजी सिपाहियों के जेल के अंदर ही मौजूद होने की वजह से ये सामान्य जेल गार्ड के अतिरिक्त 20वीं पैदल सेना के 20 सिपाही भी जेल की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। पुरानी जेल पर क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ स्थानीय लोगों ने हमला किया था और अपने साथियों को छुड़ाया था। इस जेल का निर्माण, यानी इस पुरानी जेल का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, तथा ये मेरठ की दूसरी जेल थी और इसका मुख्य द्वार दिल्ली रोड पर खुलता था। अब इस स्थान पर कैसरगंज स्थित है। ये वो पुल है जिसका इस्तेमाल अंग्रेज फौज मेरठ से दिल्ली जाने के लिए करती थी। ये पुल बागपत में यमुना नदी पर बना हुआ था, इसको भी क्रांतिकारियों ने तहस नहस कर दिया था। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी फौजों से लोहा लिया करते थे।
शहीद स्मारक में मेरठ की क्रांति के प्रमुख स्थानों को भी दिखाया गया है। जंगे आजादी में कारतूसों का भी एक विवाद रहा। ये जो आप देख रहे हैं ये वो कारतूस हैं जो कि नेशनल आर्मी म्यूजियम लंदन में रखे हुए हैं। ये एनफील्ड राइफल के कारतूस हैं। देखिए ये मेरठ छावनी का वो नक्शा है जो मेरठ शहर से कुछ दूरी पर स्थापित की गई थी। इसका एक हिस्सा शहर के उत्तर में तो दूसरा पश्चिम में था। इस वक्त इस मंच के नीचे आप ये देखेंगे एक ये शिलापट लगा हुआ है जिसपे उन सभी 85 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जो जेल छोड़ाए गए थे। इसमें चार नायक आप देख रहे हैं, शेख पीर अली, अमीर कुदरत अली, शेख हुसैनुद्दीन और शेख मोहम्मद। ये चार नायक थे जिनके साथ बाकी के सभी 85 सैनिकों ने इस जेल से रिहाई पाई थी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में नकेल डालने का काम किया था। इस मैदान के साथ जहां जंगे आज़ादी की यादें जुड़ी हुई हैं वहीं एक इसका दूसरा खौफनाक पहलू भी है। 10 अप्रैल 2006 को इस मैदान में एक मेला लगा हुआ था। ये पूरा मैदान आप देखेंगे कि इसी जगह वो मेला लगा हुआ था और इस मेले में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से इस मेले में 62 लोगों की जान चली गई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं 62 लोगों के नामों इन पर लिखे हुए हैं जिन पे जो इस आगजनी का शिकार हुए थे। हर साल 10 अप्रैल को यहाँ पर इन आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ होता है। इस वक्त हम खड़े हैं उस ऐतिहासिक मंच पे जिस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन हुआ था। आखिरी अधिवेशन वो अधिवेशन था जो कि गुलाम भारत में हुआ था, क्योंकि इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में आचार्य कृपलानी ने ये घोषणा की थी कि अब अगला सम्मेलन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का होगा वो आज़ाद भारत में होगा। उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई क्योंकि इस सम्मेलन के कुछ ही समय बाद मुल्क को आज़ादी मिल गई। जो ये मेरठ का विक्टोरिया पार्क है जिसे अब भामाशाह पार्क कहा जाता है, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्रों में से एक है। और यह कारण इसलिए है क्योंकि 10 मई 1857 को जब क्रांति प्रस्फुटित हुई तो मेरठ के क्रांतिकारी सिपाहियों ने अपनी लाइनों से निकलकर अपने घोड़ों पर सवार होकर सीधे पहले इस जेल पर हमला किया और इस जेल को तोड़कर वहाँ जो इनके 85 क्रांतिकारी सिपाही कैद किए गए थे उनको वहाँ से रिहा कर दिया। उनको रिहा करने के बाद वो अपने साथ लोहार वहीं के वहीं लाए थे और वहाँ लोहारों ने इनकी बेड़ियाँ काटी। ये सब मिलकर मेरठ शहर के अंदर गए और मेरठ शहर के अंदर जाकर उसके बाद साधारण नागरिकों के साथ और बाकी सिपाहियों के साथ एकजुट होकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। रात भर दिल्ली की तरफ चले और सुबह दिल्ली पे फतेह कर ली। तो एक प्रकार से जेल को तोड़ना किसी भी व्यवस्था के लिए और किसी भी व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा आघात होता है। इसका मतलब वो व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो व्यवस्था को ध्वस्त करने का परचम लहराने का जो श्रेय जाता है वो हिंदुस्तानी क्रांतिकारी सिपाहियों को जाता है और वो इसी स्थान पर जाता है क्योंकि वहां वो नई जेल नाम की जेल थी जिसको कि उन्होंने तोड़ा। इसके साथ ही इस विक्टोरिया पार्क एक अति महत्वपूर्ण घटना से और जुड़ा हुआ है। वो है कि जब नवंबर 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन, गुलाम भारत का आखिरी अधिवेशन हुआ तो वो मेरठ में हुआ और वो इसी स्थान पर हुआ और यहाँ पर ही एक पोडियम बनाया गया जहाँ से कि जितना कांग्रेस का नेतृत्व था पूरे भारत का सबसे प्रमुख नेतृत्व उसने भाषण दिए। करीब 20,000 लोग पूरे भारत से आकर मेरठ रुके थे, जो उस स्थान पर रुके थे जहां आज ये शर्मा नगर बसा हुआ है। ये पंडित प्यारेलाल शर्मा जो
बहुत बड़े एक स्वतंत्रता सेनानी मेरठ के रहे हैं, उनके नाम पे बनाया गया था। और यहां भाषण देके उन्होंने ये कहा पूरी दुनिया से कि अब जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन होगा वो आजाद भारत में होगा। तो एक प्रकार से आजादी की घोषणा पूरे विश्व को अगर की गई तो वो मेरठ से, इसी स्थान से की गई। तो देखा जाए तो ये स्थान केवल आजादी के आरंभ से नहीं, 10 मई से ही नहीं, जिस दिन भारत की सामूहिक रूप से पूरे भारत की आजादी की क्रांति शुरू हुई उससे जुड़ा है, किंतु आजादी मिलेगी ये भी इसी स्थान से कहा गया। तो पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा अकेला स्थान नहीं है जैसा हमारा भामाशाह पार्क या विक्टोरिया पार्क है। और एक अति आवश्यक बात इसके साथ ये भी है कि जो आखिरी अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसमें इसी स्थान से सबको बताया गया, सारे भारतवासियों को बताया गया कि भारत हमारा किस प्रकार का होगा। वो आचार्य कृपलानी की स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा होगा जिसमें सबको बराबर के राइट दिए जाएंगे, सबकी इक्वल सिटीजनशिप होगी, जाति धर्म भाषा या कोई भी और विभाजन माना नहीं जाएगा, सब भारतीय बराबर होंगे, नर नारी बराबर होंगे। ये इतनी बड़ी बात थी जो विश्व में उस समय में अधिकतम देशों में मानी ही नहीं जाती थी। और कई देश जो आज अपने आप को बहुत ज्यादा आजादी का प्रतीक मानते हैं वहां भी ये चीजें मानी नहीं जाती थी। वर्ण ये कलर के ऊपर, ब्लैक एंड व्हाइट, लेडीज एंड जेंट्स के ऊपर, इन सब के ऊपर उन समाजों में, उन देशों के अंदर विभाजन थे। किंतु मेरठ के अंदर से ये कहा गया कि भारत जब बनेगा तो उसके अंदर ये सब कोई विभाजन माना नहीं जाएगा। तो ये स्थान भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, और जो भारत इंडियन रिपब्लिक जो बन के निकली, भारतीय गणतंत्र, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कैमरा पर्सन विजय राजा के साथ सलीम सिद्दीकी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।